डोकलाम में चीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक चीन ने अपना झंडा डोकलाम के विवादित जगह से 400 मीटर पीछे हटाया है, लेकिन इस जगह पर चीनी सैनिकों की संख्या बढ़ानी शुरू कर दी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक चीन ने इस जगह पर ऊंची दीवार बनाकर 16 बड़े बैरक बनाए हैं। ऊंची दीवार इसलिए बनाई गई है ताकि अंदर क्या हो रहा है ये ना पता चल सके। बैरक के नजदीक 6 टनल बनाए गए हैं और साथ ही 23 से 27 शेड भी बनाए गए हैं। मनीष शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, सैनिकों की संख्या बढ़ाई जा रही है, ये बैरक और ये टनल और ये शेड, इरादे आखिरकार हैं क्या चीन के? देखिए, एजेंसियों के मुताबिक चीन यहाँ पे लंबे वक्त तक रुकना चाहते हैं। वो अपने आप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है चीनी सैनिकों का वो स्ट्रांग कर रहे हैं। यही नहीं, जो भूटान के जो लोकल्स हैं उसको आसपास से भगा रहे हैं ताकि ये ना पता चल सके कि वो क्या कर रहे हैं। और लगातार उनकी कई जो आर्मी की यूनिट्स हैं वो डिप्लॉय हो रही हैं। उन्होंने सर्विलांस रडार लगाए हुए हैं ताकि ये पता कर सकें कि भारतीय सेना वहाँ क्या कर रही है। और कई जगहों पर करीब 200 से 250 उनके नए टेंट्स देखे गए हैं। तो उनका इरादा जो कि एजेंसीज के मुताबिक यही है कि वो अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं उन इलाकों में कि कभी भी दोबारा ऐसी स्थिति ना आए जैसा कि डोकलाम में पहले हुआ कि भारतीय सैनिक वहां पहुंच करके चीनी सैनिकों के कंस्ट्रक्शन को उन्होंने रोका था। तो उनको लगता है कि उन सारे रास्तों पर जिसके जरिए भारतीय सैनिक आ सकते हैं उन रास्तों पर एक तरीके से रोक लग जाए और ऐसा बिल्डअप कर लिया जाए ताकि उनको आसानी से वहां से पीछे हटना ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए मनीष आपका। तो सैनिकों का जबावड़ा जो है वो बढ़ा दिया गया है और 16 बड़े बैरक बनाए गए हैं। इसके अलावा वहां पर 6 टनल भी खोदी गई हैं। तो बहुत कुछ करने में इस वक्त लगा हुआ है जी।